राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लगे खादी सरस मेले में देश भर के अलग अलग हिस्सों के हस्तशिल्प कलाकृति देखने के लिए तो जरूर मिलती है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बांस से बने हुए चीजों को दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बुंडू बंबू क्लस्टर को सराहा है, इनके कारीगरी को सराहा है। ये बांस से कई तरह की चीजें तैयार कर रहे हैं, डंडे हैं, जग है, फ्लावर स्टैंड है, शॉप केस है, सोफा है, या फिर अलग अलग तरह की कई चीज़ें, कैप भी बनाया है, और भी कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। इस बंबू क्लस्टर के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं। आखिर ये बताइएगा कैसा लगता है, और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं आप लोगों की कलाकृति को, और अब जब रांची में ये मेला लगा है तो इसमें जब आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम लोग बांस के क्षेत्र में लगभग 2014 से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, जाना देखा कि बांस से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो बुंडू में हम लोग लगभग 7-8 साल लगातार घूमे, लोगों से मिले जाने, वो जाने के बाद हमें सिर्फ यही पता चला कि वहाँ पर सिर्फ टोकरी और सूफी बनाया जाता है बाँस से। तो हम लोग वो रिसर्च किए कि बाँस से छोटा मतलब चम्मच से लेकर के फर्नीचर तक सारा कुछ हम लोग बाँस से ही बनवाते हैं। सबसे हम लोगों ने बातचीत की, हम लोग लगभग 680 लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखा है, उनका हम लोगों ने सारा लिस्ट बना के रखा है और सबको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि जब भी क्लस्टर हम लोग का ओपन होगा तो बाँस से ही सारा कुछ बनाया जाएगा और सबको साथ में मिलकर रोजगार दिया जाएगा। ये कहाँ कहाँ अभी सप्लाई हो रहा है और इसकी कीमत क्या है? देखिए, हम लोग अभी लगभग झारखंड के बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, जमशेदपुर हो गया, और बाहर बाहर भी कुछ कुछ भेजते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कुछ दिन पहले यूपी भेजे हैं कुछ कुछ सामान। तो हम लोगों का मोटिव है कि लगभग ये झारखंड के साथ साथ ये इसका पूरे भारत में जहाँ जहाँ हो हम लोग सामान को भेजेंगे, क्योंकि बैम्बू का डिमांड पूरे भारत में अच्छा है। टिकाऊ कितना है ये? अगर बांस से तैयार होता है कोई भी चीज़ तो उसका लास्टिंग क्या है, कीमत क्या है? हम लोग बैम्बू का पहले तो उसका क्या बोलते हैं, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि उसका ज़्यादा टिकाऊ हो, उस पर घुन ना लगे। ट्रीटमेंट करने के बाद ही सारा कुछ हम लोग बनाते हैं। कम से कम सोफ़ा अगर बनाया जाए तो 20 से 25 साल आराम से टिकेगा वो। कम से बांस, बांस कहाँ से लाते हैं? झारखंड में ही मिल जाता है या फिर अलग दूसरे स्टेट से लाना? अभी फिलहाल हम लोग बांस अपने झारखंड लोकली बांस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बुंडू के क्षेत्र में बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो सारे तरह का बांस वहाँ पे मिल जाता है, लाठी बांस हो या फिर सोफा बनाने का बैम्बूसा बांस हो। तो पहले जब आप लोग ये बांस की सामग्री तैयार नहीं करते थे तो बांस की कीमत क्या थी, बांस का ये क्या उपयोग होता था? क्या अब ये चीज़ें जो तैयार होने लगी तो डिमांड बढ़ गया, बांस का भी उपयोग भी ज़्यादा हो गया? पहले क्या था कि बांस को सिर्फ जानते थे कि बांस का काम सिर्फ टोकरी सूप और सेंटरिंग के काम में लाया जाता था। किसी के दिमाग में था नहीं कि था नहीं, ये नहीं था कि बांस से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये सब कर दिखाया कि बांस से लाठी हो, चम्मच हो, हैंगर हो, वाटर बोतल, प्लांट होल्डर, टोकरी सूप, टोपी, सारा कुछ बांस से ही बनवाते हैं। प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंची आपकी बात, और प्रधानमंत्री के मन की बात में कैसे शामिल हुआ आप लोगों के ये कार्यक्रम? हम लोगों ने जो कारीगर काम करते हैं उसका वीडियो बनाकर क्या क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, और हमारा जो CFC खुल रहा बुंडू में उसका हम लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा। वीडियो बना के भेजने के बाद वो हम लोग का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर को डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के साथ लैब हुई। कैसा लगा जब प्रधानमंत्री ने तारीफ किया आप लोगों के काम को? देखिए, ऐसा है, हम जब प्रधानमंत्री जी हम लोगों का तारीफ कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि सबको खुशी बहुत होगी, क्योंकि जो पूरे भारत को चला रहे हैं वो अगर हमारे क्लस्टर हमारे कामों को बढ़ाए, तारीफ करे तो अच्छा तो लगेगा ही। तो जो बांस सिर्फ घर के कुछ काम के लिए आते थे या फिर टोकरी बनाने के काम आते थे, आज उस बांस से आपको एक से एक अलग डिजाइन के मॉडलिंग चीज़ तैयार करके दिखा रहे हैं। ये बम्बू जो बुंडू बम्बू क्लस्टर हैं उसके लोग एक से एक आकर्षक चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी जब इनकी तारीफ की है तो अब ये देश स्तर पर अपने पहचान को बनाना चाहते हैं और लोगों के बीच बांस से तैयार कई चीज़ों को लाना चाहते हैं।
हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से इन छोटे छोटे चीज़ों को बढ़ावा मिले, देश में लोग इन सामानों को भी जाने ताकि बांस के उपयोग भी बढ़ सके। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें चार धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।